शहीदाने करबला का तीजा सोमवार को अकीदत के साथ मनाया गया। अजा खानों व इमाम बारगाहों में 12वीं मुहर्रम पर फूलों की मजलिस हुई। वहीं घरों में फातिहा दिलाकर तबर्रुक तकसीम किए गए। पान, डली और तेल पर फातिहा कराकर अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन व शहीदाने करबला को नजराना या अकीदत पेश किया। सोमवार की शाम अलग अलग इलाकों से अलम व अखाड़ों के जलूस निकले। इस दौरान युवाओं ने लाठी भाँचकर हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बुजुर्गों व बच्चों ने बनेठी, लाठी आदि में अपना जौहर दिखाए। जुलूस का स्वागत ढोल बजाकर किया जा रहा था। वाराणसी में अर्दली बाजार, जैतपुरा, छित्तनपुरा, चौहट्टा लाल खां, बजरडीहा, नई सड़क, लल्लापुरा, पितरकुंडा, पीली कोठी, नदेसर, सदर बाजार, दालमंडी आदि क्षेत्रों से निकले अलम सद्दे के जुलूस दरगाह फातमान पहुँचे। जुलूस में युवा 10 फीट से लेकर 50 फीट तक के अलम लेकर चल रहे थे, जिन्हें फूल मालाओं से आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इस दौरान गलियों से लेकर सड़क तक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गलियों में तो तिल रखने भर की जगह नहीं बची थी। घर की छतों व बरामदों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ रही। सभी जुलूस की एक झलक देखने को बेदाब दिखे। फातमान के अलम के जुलूस को साथ में लेते हुए सैकड़ों लोग कलाम पेश करते चल रहे थे। जुलूस भवनिया कब्रिस्तान पहुंचकर ठंडा किया गया। तीजा के जुलूस में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर्स जुलूस में मुस्तैद रहे। शकील अहमद जादूगर के संयोजन में पितरकुंडा चौराहे के पास अकीदतमंदों के लिए जलपान शिविर लगाया गया था। वहीं अंजुमन इस्लामिया की ओर से नई सड़क चौराहे पर हाजी मोहम्मद शाहिद अली खां मुन्ना के संयोजन में सहायता व जलपान का शिविर लगाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क व गलियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रही कि एक परिंदा भी पर न मार पाए। आज हजरत इमाम हुसैन के फूल का दिन है, जिसको बनारस में तीजे के रूप जाना जाता है। ये तीजा जो बनारस ही में होता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है, काशी में होता है, काशी के पवित्र धरती पर होता है। आज यहाँ पर तमाम इलाकों से जुलूस उठकर दरगाह फातमान जाता है। पूरे बनारस के जुलूस आज इसी जगह जाता है। और हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को जो कुर्बानी पेश किया था, उन्हीं की याद में आज ये तीजे का त्यौहार मनाया जाता है। आज मकसद ये होता है, सुबह कुरान खानी और फातिहा कराई जाती है इमाम चौकों पर, और शाम को जुलूस का सिलसिला होता है, और यही सिलसिला जुलूस का जो रात 10 बजे तक चलता है, और ये मुसलसल चलता है। इसमें जहाँ पीतल की ताजिया, रांगे की ताजिया, बुर्राक की ताजिया और चपरखट की ताजिया जो आती है, उसी का जुलूस आज के दिन भी आता है। ये अलम सद्दा जो है ये उसी जगह से आता है जो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में ताजिया के साथ आता है।